हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटी एच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर थर्ड का एक टॉपिक है कीवर्ड, इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग थर्ड चैप्टर में कैरेक्टर सेट क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग देखे कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और कॉन्स्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, फिर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि वेरिएबल्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम लोग देखे थे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड्स क्या होता है, ए सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर थर्ड का हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका प्रीवियस टॉपिक अगर छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स को हम लोग आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि यदि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कीवर्ड या डिफाइन द टर्म कीवर्ड, शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में पूछा जाता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कीवर्ड्स को संधि विच्छेद करके देखेंगे तो इसका मतलब निकलता है कि ऐसा वर्ड जो की तरह यूज हो सी प्रोग्रामिंग में उसे कहेंगे कीवर्ड। अब इससे तो हम लोग का काम चलेगा नहीं, ये तो हम लोग समझने के लिए ब्रेक कर लिए कि कभी भी हम इसको भूलेंगे नहीं कि ऐसा वर्ड जो की तरह काम करता है सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, कीवर्ड आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। देखिए, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी known to the compiler। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि कीवर्ड जो होता है ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब ऑलरेडी यानी कि पहले से किसको पता है, कंपाइलर को। और कंपाइलर को हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वैसे भी अभी हम लोग प्रोग्रामिंग को जो एक्सिक्यूट कर रहे हैं वो भी क्या आपका कंपाइलर ही है, जिसका नाम टर्बो सी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या मीनिंग आपको निकलता है, पहला पॉइंट से, अब जिसका मतलब पहले से कंपाइलर को पता है आप उसको किसी अदर मीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये ना हुआ कि अगर किसी चीज़ को आप पहले से असाइन कर चुके हैं तो आप उसको दूसरे को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय में वो एक ही काम कर सकता है। तो कीवर्ड्स वैसे वर्ड होते हैं जिसका मतलब पहले से कंपाइलर को पता होता है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अब इससे मीनिंग ये निकलता है कि अगर पहले से कंपाइलर को पता है तो आप उसको वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम, कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि इसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता है तो आप वेरिएबल नेम की तरह यूज करेंगे तो वो तो वही लेगा जो उसको पहले से पता है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है प्रोग्रामिंग में कि आप उसको वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, इसका मतलब पहले से पता है कंपाइलर को, इसको वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं, कि ये क्या है, रिजर्व वर्ड है। तो राइट, इसको भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। यानी कि अगर कहा जाए सी प्रोग्रामिंग में वैसे कौन से वर्ड होते हैं जो रिजर्व वर्ड जाने जाते हैं, रिजर्व वर्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या हो गया आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो हो गए वो रिजर्व वर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स आखिर होता कौन है, एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स होते हैं तो आप ये भी जान रहे इसी में कि देयर आर 32 कीवर्ड्स इन
सी प्रोग्रामिंग। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब वो 32 कीवर्ड्स कौन कौन हैं उसे भी आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एग्जांपल हो गया आपका इंटीजर। इंटीजर का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, हम लोग क्या लिखते हैं INT, वो समझ आता है इंटीजर। CHAR कैरेक्टर, FLOAT फ्लोट। फिर हो गया आपका इफ, एल्स, वाइल, स्टैटिक, दीज आर ETC, दीज आर 32 कीवर्ड्स विच आर यूज इन सी प्रोग्रामिंग। तो ये 32 वो कीवर्ड्स हैं आपका जो सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हो गया आपको क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड्स क्या है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। कीवर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं और इसको रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। हमारा टर्बो सी कंपाइलर जो है ना 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है और ये आपका एग्जांपल में कुछ कीवर्ड्स हो गए। और 32 कीवर्ड्स जो हैं कंपाइलर में वो आपका इस तरह से आपका अरेंज्ड है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कीवर्ड से संबंधित कुछ फैक्ट्स। इसका PDF नोट्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।